उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर निकली स्वाभिमान रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बुद्ध पार्क से शुरू हुई इस रैली को उत्तराखंड के 200 संगठनों ने समर्थन दिया। यह रैली नैनीताल मुख्य मार्ग कालाडूंगी होते हुए हीरानगर गोलजू मंदिर तक निकली। इस दौरान विभिन्न सामाजिक राजनीतिक व क्षेत्रीय संगठनों ने भू कानून और उत्तराखंड वासियों को मूल निवास 1950 दिए जाने की मांग की। उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डीमरी ने कहा कि देहरादून के बाद हल्द्वानी में यह मूल निवास और भू कानून को लेकर दूसरी रैली है जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है। अब पहाड़ी जाग गया है, वह अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरने लगा है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वह उत्तराखंड के मूल निवासियों को अस्थाई निवास के झुंझुने से मुक्त करें और मूल निवास के आधार पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती पर 100% आरक्षण दें। साथ ही हिमाचल की तर्ज पर सख्त कानून भू कानून बनाए। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बाबी पवार ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोगों को पहाड़ विरोधी ताकतों को पहचानना होगा, उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। खोल के सुन लो, अगर उत्तराखंड के मूल निवासियों को और एक और हमारा का मैंने सुना था, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, गायक है, वो बड़ी लंबी बातें कर रही थी कि जो है उत्तराखंड में जो बातें कर रहे हैं वो मैं अंकिता के लिए न्याय की मांग करूंगी। तो मैं उस महारा से भी कहना चाहूंगा, हिम्मत है तो अंकिता की माँ के साथ बैठ के दिखाना, क्यों फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जो है बरगराने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग केवल और केवल जो है उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम कर रहे हैं और ये छलावा चलेगा नहीं, क्योंकि आज युवा शिक्षित हो चुका है आज।